डियर स्टूडेंट स्टूडेंट वेलकम यू ऑल आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन की इसके पहले पार्ट में हमने ये देखा कि जो क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई एंड द कॉमर्शियल बैंक जो कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई हैं तो जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन करते हैं किस तरीके से डिपॉजिट क्रिएशन करते हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे और पहली वीडियो में हमने इससे एसोसिएटेड जो टर्म्स हैं जैसे लीगल रिजर्व रेशियो है सी है एस है मनी मल्टीप्लायर है इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है तो हम इसमें देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन क्या है इन द पार्ट वन वी ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स, विच आर इनिशियल डिपॉजिट्स आर फ्रेश डिपॉजिट्स सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर ड्राइव्ड डिपॉजिट्स, लीगल रिजर्व रेशियो एंड मनी मल्टीप्लायर इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है अब हम देखेंगे कि जो कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं उस क्रेडिट क्रिएशन के क्या क्या एजम्स हैं जिन पर बेस होकर के ये क्रेडिट क्रिएशन हो पाता है सो so, पहला एजम्सन ये है कि ऑल द डिपॉजिटर्स डू नॉट अप्रोच बैंक फॉर विदड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम सारे जो कस्टमर हैं बैंक के डिपॉजिटर्स जो हैं वो एक ही समय पर बैंक में पैसा निकालने के लिए नहीं आते हैं एंड ऑल्सो दे डू नॉट विदड्रा द एंटायर अमाउंट इन वन गो और वो अपना पैसा एक ही बार में सारा पैसा विदड्रा नहीं करते हैं और दूसरा यह है कि देर इज ए कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इन बैंक और एक तरफ जैसे पैसा जाता है तो दूसरी तरफ पैसा वापस भी बैंक में डिपॉजिट होते हुए आता है सपोज करिए हम अब इस प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो ट्वेंटी परसेंट है और जो इनिशियल डिपॉजिट्स है वो टेन थाउजेंड्स है सो इनिशियल डिपॉजिट्स आर टेन थाउजेंड एंड लीगल रिजर्व रेशियोज आर ट्वेंटी परसेंट सो so, अब प्रोसेस में अगर हम जाते हैं तो हम सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि कोई पर्सन है उसके पास दस हज़ार रुपये हैं एंड द पर्सन गोज टू द बैंक और बैंक में वो क्या करता है ये दस हज़ार रुपये वो डिपॉजिट कर देता है जो पर्सन ए है दैट पर्सन ए इज़ डिपॉजिटिंग रुपीज़ टेन थाउजेंड इन अ बैंक और ये बैंक जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ द बैंक कहलाएगा जो जो पैसा बैंक में जमा हो रहा है ये प्राइमरी डिपॉजिट कहलाएगा द कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक इज ट्वेंटी परसेंट एज हम लोगों ने पहले से ही माना हुआ है सो इन दिस केस बैंक ए वुड कीप रूपीज टू थाउजेंड एज रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक एंड वुड यूज रिमेनिंग एट थाउजेंड फॉर दीडिंग लैंडिंग पर्पज़ तो बैंक ए क्या करेगी जो बैंक ए में दस हज़ार रुपये किसी पर्सन ने जमा कराया था वो बैंक ए क्या करेगी बीस परसेंट लीगल रिजर्व रेशियो है तो दो हजार रुपये अपने पास रखेगी और आठ हजार रुपये जो उसके पास एट थाउजेंड रुपीज बच रहे हैं वो क्या करेगी फर्दर यूज कर सकती है आगे क्रेडिट देने के लिए या लैंडिंग करने के लिए नाउ सपोज करिए कि जो बैंक है बैंक लेंड्स रुपीज एट थाउजेंड टू तो मिस्टर एक्स बैंक जो है वो मिस्टर एक्स को आठ हजार रुपये लेंड करती है बाई ओपनिंग एन अकाउंट इन हिज नेम उसका जैसा आपको पता है कि बैंक में आप कभी लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपको कैश नहीं देती है हमेशा क्या होगा कि बैंक आपका एक अकाउंट अपने बैंक में ओपन करेगी और उसमें वो पैसा आपको दे देगी और आपको एक चेकबुक दे देगी कि अब आप पैसा जो है जो चाहें वो निकाल सकते हैं इसमें से जो पैसा आपको विड्रा करना है आप विड्रा कर सकते हैं किसी को भुगतान करना है भुगतान कर सकते हैं तो जो आठ हज़ार रुपये जो बैंक के पास थे वो बैंक ने क्या किया मिस्टर एक्स को लोन दे दिया नोन एज डिमांड डिपोजिट अकाउंट हाउ एवर दिस इज नॉट एक्चुअली पेड आउटर एक्स जो मैंने आपको बताया किस को एक्चुअल पेड नहीं किया गया बल्कि बैंक में अकाउंट खोल के मिस्टर एक्स को दे दिया गया और, और बैंक हैज इश्यूड अ चेक बुक टू मिस्टर एक्स और बैंक ने एक चेकबुक मिस्टर एक्स को दे दी कि आप ये पैसा निकाल सकते हैं ठीक है आप सपोज करिए कि मिस्टर एक्स ने क्या किया कि एक चेक दिखा आठ हजार रुपए का मिस्टर वाई के नाम से मिस्टर वाई को सपोज करिए कि एक्स को पैसे पे करने थे उधारी देनी थी अदा करनी थी लोन जो है चुकाना था तो मिस्टर एक्स ने क्या किया कि वाई के नाम पर एक चेक काट दिया आठ हजार रुपए का जो आठ हजार रुपए उनके अकाउंट में जमा थे अब क्या होगा कि मिस्टर वाई जो है जो बैंक बी के कस्टमर हैं मिस्टर एक्स कहाँ थे बैंक ए में मैं मिस्टर वाई कहाँ है बैंक बी में बैंक बी के कस्टमर हैं अच्छा अब देखिए यहाँ बैंक ए और बैंक बी इसलिए आ रहा है क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम ब्रॉड लेवल पे एज अ होल पढ़ रहे हैं इसलिए डिफरेंट बैंक्स मिला करके कितना क्रेडिट क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे तो बैंक बी जो है इनके पास भी 20 परसेंट एल है तो इन्होंने क्या किया उस आठ हज़ार रुपये जो उनके पास आए जैसे मिस्टर वाई ने क्या किया बैंक बी में चेक लगाया चेक क्लियर हो करके यहाँ आया जो कि हमने क्लियरेंस हाउस फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो चेक क्लियर हो करके यहाँ पर आ गया अब मिस्टर वाई के अकाउंट में आठ हज़ार हैं जो कि बैंक बी के लिए एक डिपॉजिट क्रिएट होता है और बैंक बी क्या करेगी उसमें से सोलह हज़ार जो है वो रोक लेगी बीस परसेंट जो है और बाकी का जो पैसा सिक्सटी फोर जो है जो सिक्स रुपीज है देट वुड बी यूज फॉर द लेंडिंग पर्पज बाई बैंक बी बैंक भी उसको यूज कर सकती है अब फिर क्या होगा अगले स्टेप में फिर क्या किया कि दिस प्रोसेस जो ये प्रोसेस है ऐसे ही बैंक भी क्या करेगी मिस्टर वाई के अकाउंट में जो पैसा है मान ली मिस्टर वाई ने किसी को जो है वो वो जो है वो चेक काट दिया किसी जो है जो सिक्सटी फोर सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ है मान ली बैंक बी ने जो है वो किसी मिस्टर जेड को जो है वो लोन दे दिया मिस्टर जेड ने वो पैसा मिस्टर बी को जो है या मिस्टर डी को वो पैसा अकाउंट तो उनके लोन चुकाने के लिए वो पैसा उनको दे दिया और वो पैसा बैंक सी में जा के जमा होता है तो अब बैंक सी जो है जो बैंक सी है इस बैंक सी के पास कितना पहुंच गया सिक्सटी फोर थाउजेंड सिक्सटी फोर हंड्रेड रुपीज पहुंच गया अब बैंक बी सिक्सटी फोर थाउजेंड रुपीज का जो है जो ट्वेल्व हंड्रेड एट्टी जो कि ट्वेंटी परसेंट एल आ रहा है ये रोकेगी और रेस्ट जो अमाउंट बनेगा फाइव वन टू जीरो पैसा बैंक सी जो है वो किसी और को लोन दे सकती है सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू डिपॉजिट और क्रेडिट का जो प्रोसेस है डेट कंटिन्यूज टिल द रिवर्स सॉरी रिजर्व विद कॉमर्शियल बैंक रिड्यूस टू जीरो यानी ये पैसा ऐसे घटता जाएगा और एट लास्ट एक सिचुएसन आ जाएगी जहाँ पर ये पैसा जो है क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसको एक टेबल के uh, माध्यम से भी हमने समझाने की कोशिश की है लाइक इनिशियल डिपॉजिट कितना है यहाँ पर इनिशियल डिपॉज़िट जो है वो टेन थाउजेंड का है और टेन थाउजेंड इनिशियल डिपॉजिट में से एट थाउजेंड जो है वो लोन दिया जा रहा है टू थाउजेंड जो है वो रिज़र्व लिए जा रहे हैं नेक्स्ट राउंड में ये जो लोन्स था ये लोन क्या हुआ फिर से डिपॉजिट क्रिएट किया इसमें से जो लोन है जो रिज़र्व है सिक्सटी फो सिक्सटीन हंड्रेड का वो रोक लिया गया सिक्सटी फोर हंड्रेड जो है वो लोन दे दिया गया इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है वो क्या हो रहा है फिर सिक्सटी फोर हंड्रेड जो यहाँ पर लोन था रिजर्व रोका गया था ये लोन दे दिया गया ये डिपॉजिट का काम करेगा इसमें से ट्वेंटी परसेंट यहाँ रोका गया देन अगेन फिफ फाइव वन टू जीरो है जो है लोन दे दिया गया इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी और ये प्रोसेस चलते हुए एक सिचुएशन ये आएगी कि जब जो है ये पूरा जो है जो ये जीरो हो जाएगा और रिज़र्व जीरो होने के बाद नेक्स्ट जो टोटल क्रेडिट क्रिएशन होगा वो डिपॉजिट का ये पचास हज़ार रुपये का होगा जिसमें से दस हज़ार रुपये वो लीगल रिजर्वेश होंगे और फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ का जो है वो जो है वो लोन्स होगा कैसे इसको करेंगे इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर आ, किस तरीके से ये क्रेडिट क्रिएशन होता है किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है हमने ये देख लिया कि पाँच जो दस हज़ार रुपये जो जमा किए गए थे वो दस हज़ार रुपये जो है वो पचास हज़ार रुपये के बराबर क्रेडिट क्रिएट करते हैं फाइव टाइम्स मींस द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर जैसे हमने डिस्कस किया था कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मनी मनी क्रिएशन है इनिशियल डिपोजिट इंटू वन अपॉन एल है वन अपॉन एल आर क्या है मनी मल्टीप्लायर है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रेडिट क्रिएशन है जो मनी क्रिएशन है वो इनिशियल डिपॉज़िट इनटू मनी मल्टीप्लायर है दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन अपॉन एल और इनिशियल डिपॉज़िट और ये जो वन अपॉन एल है ये इक्वल होता है मनी मल्टीप्लायर के तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनिशियल डिपॉज़िट इंटू मनी मल्टीप्लायर तो पहले हम मनी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टोटल क्रेडिट क्रिएशन को नाउ क्या होगा कि जो मनी मनी मल्टी मनी मल्टीप्लायर जो है वो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन अपॉन ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी फाइव और मनी क्रिएशन कितना हो जाएगा टोटल ये हो जाएगा इनिशियल डिपॉजिट टेन थाउजेंड इंटू मनी मल्टीप्लायर फाइव स्क्व टू फिफ्टी थाउजेंड सो दिस फिफ्टी थाउजेंड विल बी द टोटल क्रेडिट क्रिएशन अब अगर आपको एक बात मैंने जो और बताई कि ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है मनी मल्टीप्लायर और लीगल रिजर्व रेशियो के बीच में ऐसे ही लीगल रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन के बीच में भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है अगर क्रेडिट क्रिएशन लोअर होता है मनी लीगल रिज़र्व रेशियो जो है वो हाई होगा अगर क्रेडिट क्रिएशन हाई होता है तो इसका मतलब लीगल रिज़र्व रेशियो लो होगा जबकि ये डिपेंड करता है लीगल रिजर्व रेशियो पर तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एल हाई है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा और एल कम है तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से दे देख ले रहे हैं जहाँ पर हमने क्या किया है कि जो लीगल रिज़र्व रेशियो है उसकी वैल्यू को हमने केवल टेन परसेंट लिया है यहाँ पर और इस टेन परसेंट वैल्यू से आप देखेंगे कि जो टोटल जो मनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो टेन हो गई फाइव से बढ़ करके और उसी तरीके से अगर आप क्रेडिट क्रिएशन देखेंगे तो ये क्रेडिट क्रिएशन भी बढ़ करके के टेन थाउजेंड हो जाता है तो आपको ये समझ में आ गया कि जो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस क्या है बैंक लीगल रिज़र्व रेशियो को रोकते हुए बाकी पैसा किसी को उधार देती है वो पैसा फिर बैंक में जमा होता है और वो बैंक के लिए फिर डिपॉज़िट क्रिएट करता है फिर उसका लीगल रिज़र्व रेशियो रोका जाता है और फिर बाकी अमाउंट करते हैं और इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है और टिल एंड ये लीगल रिज़र्व रेशियो पर डिपेंड करती है कि बैंक का क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा इफ द लीगल रिजर्व रेशियो इज़ लेस अगर वो कम है तो क्रेडिट क्रिएशन हाई होगा लाइक हमने देखा कि लीगल रेशियो दस परसेंट है तो उसी इनिशियल डिपॉज़िट पर क्रेडिट क्रिएशन एक लाख का हो रहा है और अगर लीगल रिजर्व रेशियो बीस है तो उस उसी इनिशियल डिपॉजिट पर लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो जो जो क्रेडिट क्रिएशन था वो 50,000 का था तो इस तरीके से हम क्रेडिट क्रिएशन को यहाँ पर टोटल एक्सप्लेन uh, कर सकते हैं थैंक यू सो मच